हेलो गाइस, माय सेल्फ अंकुश खंडागले। टुडे हम सीखने वाले हैं रजिस्टर के टाइप्स कौन से हैं। ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि वो हमारा चैनल नेम है, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल लर्निंग। आप सबसे पहले चालू करते हैं कि रजिस्टर के टाइप्स कौन से हैं। वी लर्न अबाउट व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर, देन सिंबल ऑफ रजिस्टर, यूनिट्स ऑफ रजिस्टर, डेफिनेशन ऑफ ईच एंड एवरी रजिस्टर, देन लर्न वाई वी यूज रजिस्टर एंड विच टाइप ऑफ मटेरियल्स यूज इन रजिस्टर, एंड लास्ट वन इज अ फ्लो चार्ट ऑफ रजिस्टर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रजिस्टर का सिंबल कैसे रहता है। यहाँ पे मैंने इमेज पे दी हुई है, उससे आप पता कर सकते हैं कि वो सर्किट में कौन से रजिस्टर का जो सिंबल यूज करते हैं वो कैसे रहता है। ये रजिस्टर का सिंबल है। बाद में यूनिट ऑफ रजिस्टर, यूनिट ऑफ रजिस्टर इन मेजर इन ओहम्स, देन किलो ओम्स एंड मेगा ओम्स आर लॉन्गर यूनिट्स। किलो ओम मीन्स 10^3, मेगा मीन्स 10^6 एंड मिली ओम मीन्स 10^-3। ये इमेज दिखाई दे रहा है वो ओहम का सिंबल है। बेसिकली हम कैलकुलेशन करते हैं उसमें जो रजिस्टर की जो वैल्यू रहती है उसके साथ वो ओहम यूज करते हैं, इसलिए ओहम का सिंबल है। बाद में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ रजिस्टर। देर आर टू टाइप्स ऑफ रजिस्टर, फर्स्ट वन इज अ लीनियर रजिस्टर एंड सेकेंड वन इज अ नॉन लीनियर रजिस्टर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे रजिस्टर के टाइप्स दिए हुए हैं, दो रजिस्टर के टाइप्स दिए हुए हैं, और उसमें उसके जो पर्टिकुलर रजिस्टर्स कैसे होते दिखने के लिए वो मैंने यहाँ पे दिखाई दिया है। लीनियर रजिस्टर कैसे रहता है, बाद में नॉन लीनियर रजिस्टर कैसे रहते हैं, बहुत सारे रजिस्टर के जो टाइप्स रहते हैं यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। सो आप इससे पता कर सकते हैं कि रजिस्टर कैसे रहता है। बाद में हम सबसे पहले सीखेंगे लीनियर रजिस्टर। लीनियर रजिस्टर बेसिकली क्या है, दोज रजिस्टर विच वैल्यूज चेंज विद द अप्लाई वोल्टेज एंड टेम्परेचर आर कॉल्ड एज अ लीनियर रजिस्टर। इन अदर वर्ड्स, अ रजिस्टर विच करंट वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज इज नोन एज अ लीनियर रजिस्टर। जनरली देर आर टू टाइप्स ऑफ लीनियर रजिस्टर, फर्स्ट वन इज अ फिक्स रजिस्टर एंड सेकेंड वन इज अ वेरिएबल रजिस्टर। फिक्स रजिस्टर एंड इट्स टाइप्स, अ रजिस्टर इज यूज टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अ फिक्स रजिस्टर कैन नॉट बी चेंज एज इट्स सेट अप स्पेसिफिक वैल्यू। टाइप्स ऑफ फिक्स रजिस्टर आर एज फॉलो, फर्स्ट वन इज अ कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर, वायर वाउंड रजिस्टर, थिन फिल्म रजिस्टर, थिक फिल्म रजिस्टर। एंड थिक फिल्म रजिस्टर देर आर थ्री टाइप्स, मेटल ऑक्साइड, सरमेट फिल्म एंड थर्ड वन इज अ फ्यूजेबल रजिस्टर। मैंने यहाँ पे इमेज दिया हुआ है, उसमें कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर भी है, वायर वाउंड रजिस्टर भी है, थिक फिल्म रजिस्टर भी है और थिन फिल्म रजिस्टर भी है। सो हम अभी एक एक टाइप सीखेंगे। फर्स्ट वन इज द कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। द कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर आर मेड फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंड्रिकल रजिस्टिव एलिमेंट विथ एम्बेडेड वायर लीड्स और मेटल एंड कैप्स। द सिलेंड्रिकल रजिस्टिव एलिमेंट ऑफ द कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर इज मेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ कार्बन और ग्राफाइट पाउडर एंड सिरेमिक ऑल्सो। CCR रजिस्टर लुक्स लाइक दिस इमेज यू हैव टू सीन, दैट इज अ कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। सेकेंड वन इज अ वायर वाउंड रजिस्टर। अ वायर वाउंड रजिस्टर इज एन इलेक्ट्रिकल पैसिव कंपोनेंट दैट्स लिमिट करंट। द रजिस्टिव एलिमेंट एग्जिट आउट ऑफ एन इंसुलेटेड मेटालिक वायर दैट इज वाउंडेड अराउंड अ कोर ऑफ नॉन कंडक्टिव मटेरियल। वायर वाउंड रजिस्टर आर कॉमनली मेड बाय वाइंडिंग अ मेटल वायर यूजुअली नाइक्रोम अराउंड अ सिरेमिक, प्लास्टिक और फाइबर ग्लास कोर। वायर वाउंड रजिस्टर दिखने के लिए कैसा रहता है, वो इमेज मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, वो वायर वाउंड रजिस्टर है। इससे आप पता कर सकते हैं कि वायर वाउंड रजिस्टर कैसे होता है। इसमें वायर वाउंड रजिस्टर में दो टर्मिनल्स रहते हैं, जैसे नॉर्मल रजिस्टर के दो टर्मिनल्स रहते हैं उसमें भी नॉर्मल रजिस्टर के, इसमें भी नॉर्मल रजिस्टर वायर वाउंड रजिस्टर में दो टर्मिनल्स रहते हैं। जो वायर वाउंड रजिस्टर रहते हैं इसके अंदर एक कॉइल्ड अप जो मटेरियल रहता है वो रहता है, इसके लिए उसको वायर वाउंड रजिस्टर बोलते हैं। थर्ड वन इज अ थिन फिल्म रजिस्टर।
शॉर्ट फॉर थिन फिल्म डस्ट हैव अ मेटालिक फिल्म दैट इज वैक्यूम डिपॉजिटेड ऑन एन इंसुलेटिंग सबस्ट्रेट। थिन फिल्म डस्ट लुक्स लाइक, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थिन फिल्म डस्ट कैसे रहते हैं, उसमें बहुत सारे टर्मिनल्स रहते हैं और वो पहचानने के लिए भी आसान पड़ जाता है कि थिन फिल्म डस्ट कैसे रहता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ थिन फिल्म डस्ट, फर्स्ट वन इज अ कार्बन फिल्म डस्ट एंड सेकेंड वन इज अ मेटल फिल्म डस्ट। थिक फिल्म डस्ट फॉर टाइप वन थिक फिल्म डस्ट, थिक फिल्म डस्ट आर प्रोड्यूस बाय फायरिंग अ स्पेशल पेस्ट ऑन टू द सबस्ट्रेट। द पेस्ट इज अ मिक्सचर ऑफ ग्लास एंड मेटल ऑक्साइड। थिक फिल्म डस्ट लुक्स लाइक, यार आप देख सकते हैं कि थिक फिल्म डस्ट दिखने के लिए कैसा रहता है, उसके जो पैकेज नंबर रहता है वो कैसे रहता है। बाद में जो थिक फिल्म डस्ट दिखने के लिए टू टर्मिनल्स का डिवाइस रहता है, बट उसमें वो सिमिलर लुक्स लाइक अ मॉस्फेट एंड ट्रांजिस्टर आल्सो, ओनली हियर हैव अ टू टर्मिनल्स। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ थिक फिल्म डस्ट, फर्स्ट वन इज अ मेटल ऑक्साइड डस्ट, सेकेंड वन इज थर्मल फिल्म डस्ट, थर्ड वन इज अ फ्यूजेबल डस्ट। अभी हम देखेंगे वेरिएबल रजिस्टर क्या है। वेरिएबल रजिस्टर इज अ पोटेंशियल मीटर विद ओनली टू कनेक्टिंग वायर्स इंस्टेड ऑफ थ्री। हाउ वेयर अल दो द एक्चुअल कंपोनेंट इज द सेम, इट डज अ वेरी डिफरेंट जॉब। द पॉट अलाउज अस टू कंट्रोल द पोटेंशियल पास थ्रू अ सर्किट। देयर रजिस्टर कैन बी वेरिड फ्रॉम लो टू हाई वैल्यू। There are classified as a trimmer, rheostat and potentiometers. There are used in TV sets, radio as a different control visually, volume control, brightness control. These are three terminal resistor with one fixed terminal at each end of the resistive element and the third terminal is movable or variable also. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेरिएबल का सिंबल कैसे रहता है। सिमिलर तो रजिस्टर का जो सिंबल रहता है वैसे निकालते, सिर्फ उसको ऐसा वर्टिकल लाइंस देते हैं और उसमें एरो देते हैं, इससे हम पता कर सकते हैं कि वेरिएबल रजिस्टर ऐसे रहता है। पोटेंशियोमीटर, दीज आर वेरिएबल रजिस्टर आइदर ऑफ कार्बन और वायर वाउंड टाइप। देर आर ऑफन यूज फॉर कंट्रोलिंग वोल्टेज एंड करंट इन अ सर्किट। दे मे बी लीनियर और नॉन लीनियर टाइप। There are large in size and generally mounted panel of electronic equipment. Three pin names like ground, out and in, input. In means input. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर दिखने के लिए कैसा रहता है। वो इससे हम क्या कर सकते हैं कि अपना जो वॉल्यूम कंट्रोल रहता है, बाद में जो अपना म्यूजिक सिस्टम रहता है उसमें हम कर सकते हैं, बाद में अपना जो वैल्यूज रहता है, कभी कभी आप उनको वैल्यू सिलेक्ट करना पड़ता है, उसे हम पॉट से वो सेट कर सकते हैं। अभी मेरा पॉट 0 से 5 तक मैं सेट कर सकता हूँ, तो आप कम ज़्यादा करके उसको सेट कर सकते हैं, इसलिए आप पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हैं। और उसमें थ्री टर्मिनल्स रहता है, ग्राउंड रहता है, एक आउटपुट रहता है और एक इनपुट रहता है, उसे आप कनेक्शन करके पोटेंशियोमीटर यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे सर्किट में पोटेंशियोमीटर यूज़ होता ही होता है, अपना जो कौन से भी सर्किट रहने दो उसमें एडजस्टिंग वैल्यू करने के लिए पोर्ट यूज ही होता है। थर्ड वन इज अ ट्रिमर ऑफ प्रिसेस। दीज आर यूज इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स टू मेक स्मॉल एडजस्टमेंट्स। देर आर स्मॉल इन साइज, जनरली माउंटेड ऑन पीसीबी। ट्रिमर और प्रीसेट लुक्स लाइक, प्रीसेट दिखने के लिए कैसे रहता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें भी सेम पोर्ट जैसे ही फंक्शन रहता है, सिर्फ वो स्मॉल जो सर्किट्स रहते हैं उसमें यूज करते हैं। इसमें एडजस्ट करने के लिए एक पिन भी दिया हुआ है, उससे आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और प्रीसेट को मिनिएचर ट्रिम पॉट ऐसे भी बोलते हैं। रियोस्टेट, इट इज अ हाई वैटेज वेरिएबल रजिस्टर। इट इज यूज टू लिमिट द करंट फ्लो। दे आर ऑल्सो यूज फॉर वोल्टेज डिवाइडिंग। दे हैव हाई पावर रेटिंग। इट इज मोस्टली यूज इन स्टेबिलाईजर। एंड रियोस्टेट लुक्स लाइक, आप देख सकते हैं रियोस्टेट कैसे रहता है। इससे आप जो अपना वेरिएबल रजिस्टर्स रहते हैं उसमें अपन जो अपना करंट फ्लो रहता है उसमें हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाद में वोल्टेज डिवाइडिंग के लिए भी उसको यूज़ किया जाता है। बाद में जो हाई रेटिंग पावर्स रहता है उसमें भी पोर्ट रियोस्टेट यूज़ होता है।
बाद में मोस्टली यूज इन स्टेबिलाइजर वे में ये रियोस्टेट का यूज़ होता है। इससे हम पता कर सकते हैं कि रियोस्टेट कितना इम्पोर्टेंट है अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। बाद में हम देखेंगे नॉन लीनियर रजिस्टर वेरिएस्टर। फर्स्ट वन इज अ वेरिएस्टर। द नॉन ओहमिक वेरिएबल रजिस्टर नोन एज अ वेरिएस्टर। दे आर द स्पेशल टाइप ऑफ रजिस्टर्स। द रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल डिपेंड ऑन द चेंज इन लाइट वोल्टेज एंड टेम्परेचर ऑल्सो। वेरिएस्टर टाइप रजिस्टर आर एज फॉलो। फर्स्ट वन इज अ लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, सेकेंड वन इज वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, वन थर्मिस्टर। थर्मिस्टर मीन टेम्परेचर डिपेंडेंट रजिस्टर, LDR एंड VDR ऑल्सो। LDR लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, इट इज ऑल्सो नोन एज अ फोटो रजिस्टर। द लाइट सेंसिटिव फोटो कंडक्टिव मटेरियल लाइक कैडमियम सल्फेट लीड सल्फेट इज यूज इन द कंस्ट्रक्शन। इन डार्क रजिस्टेंस ऑफ LDR इज मैक्सिमम। दिस रजिस्टर आर यूज इन फोटो इलेक्ट्रिक रिले सर्किट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि LDR दिखने के लिए कैसा रहता है, बाद भी उसमें सिंबल कैसे रहता है, जो लाइटिंग जो इको सिग्नल देते हैं वो रजिस्टर के पास आए हुए हैं। इससे हम पता कर सकते हैं कि लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर कैसे होता है। सेकेंड वन इज अ वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। सिलिकॉन कार्बाइड इज यूज फॉर थ्री कंस्ट्रक्शन। द रजिस्टेंस ऑफ दिस वेरिएबल वेरिएस्टर वेरी कंसिडरेबल विद द अप्लाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। दे आर यूज इन TV स्टेबिलाईजर फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई ETC। और यहाँ पे जो इमेज दिखाई दे रहा है वो वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर का है, और उसमें भी दो टर्मिनल्स रहते हैं, दिखने के लिए ब्लू रहता है, और उससे आप पता कर सकते हैं कि वो रजिस्टर कौन सा है। थर्ड वन इज अ थर्मिस्टर। देर आर टेम्परेचर डिपेंडेंट रजिस्टर। देर आर रजिस्टेंस वेरीज विद टेम्परेचर। दे आर एसेंशियली सेमी कंडक्टर विच बिहेव एज अ रजिस्टर। दे आर अवेलेबल डिफरेंट शेप एंड साइज। दे आर ऑफ टू बेसिक टाइप्स, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट एंड सेकेंड वन इज अ पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। यह थर्मिस्टर का इमेज दिखाई दे रहा है, उससे हम पता कर सकते हैं कि थर्मिस्टर रजिस्टर कैसे होता है और उसमें कौन से दो टाइप्स है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अभी हम उसका फ्लो चार्ट सीखेंगे रजिस्टर के टाइप। फर्स्ट वन कौन सा है, लीनियर रजिस्टर। लीनियर रजिस्टर में दो टाइप्स रहते हैं, फिक्स रजिस्टर एंड वेरिएबल रजिस्टर। फिक्स रजिस्टर में कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर, वायर वाउंड रजिस्टर, थिन फिल्म रजिस्टर, कार्बन फिल्म रजिस्टर, मेटल फिल्म रजिस्टर। थिक फिल्म रजिस्टर में मेटल ऑक्साइड रजिस्टर, थर्मेट फिल्म रजिस्टर, फ्यूजेबल रजिस्टर एंड सेकेंड वन इज अ वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर में पोटेंशियोमीटर, ट्रिमर एंड रियोस्टेट। नॉन लीनियर रजिस्टर में कौन से रहते हैं, वेरिएस्टर। वेरिएस्टर में LDR, VDR एंड थर्मिस्टर। इससे हम ये रजिस्टर के टाइप से और उसमें रजिस्टर कैसे दिखने के लिए रहते हैं वो सब हम आज के एपिसोड में सीख लिया। बाद में हम सेकेंड जो हमारा वीडियो होगा वो कैपेसिटर के ऊपर होगा, बाद में इंडक्टर के ऊपर रहेगा, बाद में ट्रांजिस्टर के ऊपर रहेगा। बेसिकली जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स रहते हैं उनको रजिस्टर एक्चुअली वर्क कैसे करता है, बाद में उसके टाइप्स कैसे रहता है वो पता नहीं रहता है। रजिस्टर हम यूज़ क्यों करते हैं कि हमारा जो सर्किट रहता है उसमें ज़्यादा करंट फ्लो होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए। मतलब ज़्यादा करंट सर्किट में से ज़्यादा बहे नहीं, मतलब फ्लो नहीं होने के लिए, मतलब उसमें कुछ ऐसा रजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए हम रेजिस्टेंस यूज करते हैं। और उसमें जो रेजिस्टेंस रहता है वो हम अलग अलग वैल्यू के यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं कि उसमें जो सर्किट डिपेंडेंट रहता है, मतलब अपना जो सर्किट रहता है उसमें कैसे करंट जो बहने वाला रहता है वो बहुत सारा रहता है, उससे सर्किट डैमेज हो सकती है, वो अपन कंट्रोल करने के लिए हम रेजिस्टर्स यूज़ करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।